सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति दूसरों से आगे निकल जाते हैं, पर खुद के सर्वश्रेष्ठ से पीछे रह जाते हैं। आज का पंचांग 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7:58 तक रहेगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:27 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:56 से 3:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर का कार्यस्थल पर आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस्य की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है तो उसके हल होने की संभावना है। कुछ समय आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करेंगे तो शांति मिलेगी। राजनीतिक संपर्क बढ़ेंगे। आपका दृष्टिकोण आपके लिए सम्मानजनक स्थितियाँ उत्पन्न करेगा। उपयोग करते हुए जीवन में बदलाव करने की आवश्यकता है। गलत बातों में किसी का साथ ना दें। जिन बातों में आप भावनात्मक रूप से उलझे हैं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। धीरे धीरे मानसिक तकलीफ दूर होती हुई नजर आएगी। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने की कोशिश सफल हो सकती है। आपसे उम्र में बड़े व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस हो सकता है। पेट संबंधित बीमारी दूर करने के लिए सही उपचार लेने की आवश्यकता होगी। सावधानियाँ, पारिवारिक संबंधों में कुछ गलतफहमियाँ हो सकती है, क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। पैतृक मामलों की वजह से संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच विवाद जैसी स्थिति रहेगी। समय रहते गलत फहमियों को सुलझाने से संबंधों में खटास नहीं आएगी। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपनी साथी या परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीजों पर बाहर आनंद उठाने जाएं। बात करते हैं करियर की। एक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने का संकेत दे रहा है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं या अपने कार्यालय में एक से अधिक या दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण हो सकता है। यह ऐसी स्थिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे। आप इन संभावनाओं का आप अच्छे से इंतजार भी कर रहे थे और इन संभावनाओं का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, इसलिए आपको इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की जरूरत है ताकि आपका करियर उचित दिशा में चलता रहे। व्यवसाय में बदलाव ना करें और साथ ही किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। आपके साथ छल या धोखाधड़ी हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन या तबादले जैसी गतिविधियां बन रही है, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गलत खान पान की वजह से पेट खराब हो सकता है। अच्छा, आपको अपने किसी करीबी या बिल्कुल अजनबी से
कोई स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। अगर आप इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज के दिन आराम करने और कई दिन से इकट्ठे हो चुके तनाव से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको इस समय का उपयोग अपने मन को शांति देने वाले व्यायाम के लिए भी करना चाहिए, जिसके आपको बहुत जरूरत है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।